नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, कोटा में नया एयरपोर्ट क्यों नहीं बन रहा है, ये सवाल हर व्यक्ति के मन में बार बार उठ रहा है। हर व्यक्ति ये सोचता है कि इस शहर के जनप्रतिनिधि एयरपोर्ट के लिए कोई प्रयास नहीं कर रहे हैं, तो जब जब भी इस बारे में घोषणाएँ हुई वो अभी तक निराधार साबित हुई। आज कोटा में कोटा व्यापार महासंघ का दीपावली स्नेह मिलन था, वहाँ पर लोकसभा स्पीकर ने नया एयरपोर्ट वर्ष 2023 तक बनने की संभावनाएं व्यक्त की है और उन्होंने कहा है कि नया एयरपोर्ट का काम 2023 में शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी तक क्यों नहीं शुरू हुआ इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि भाई UIT से ज़मीन मिल गई, उसके बाद वो जो ज़मीन मिली वो ज़मीन फॉरेस्ट विभाग की निकली, 95% फॉरेस्ट विभाग की ज़मीन, उसको कन्वर्ट नहीं करा सकते। तो इसलिए कई तरह की बाधाएं इस एयरपोर्ट के निर्माण में आती रही और अब फिर से एक बार हमारे जनप्रतिनिधि और लोकसभा स्पीकर ने कोटा की जनता को भरोसा दिलाया है कि नया एयरपोर्ट जल्दी लोगों को मिल सकेगा। तो दोस्तों, आइए सुनते हैं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला जी से कि वो नए एयरपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अभी तक की प्रोग्रेस है और कब तक इसका काम शुरू हो पाएगा। आपका हमेशा मत रहता है, विशेष रूप से कोटा की बरसों से मांग है एयरपोर्ट की। त्यागी जी ने तो खेल 2012 में चंपूपुरा में एयरपोर्ट बनाई दिया था। मैं कई बार कहता हूं कि एयरपोर्ट आपकी जितनी मांग है सबकी भावनाओं को मैं समझता हूं और आप ये मानकर चलो कि कोटा की भावनाओं को पूरा करना मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, इसलिए मैं कभी राजनीति के उस आरोप प्रत्यारोप पर नहीं पड़ता हूं। जब इस एयरपोर्ट का सिलसिला शुरू हुआ तो सबसे पहले मेरे मन में बात थी कि एयरपोर्ट बनना चाहिए, क्योंकि एयरपोर्ट की जमीन राज्य सरकार देती है और एयरपोर्ट बनाने का काम एयरपोर्ट अथॉरिटी भारत सरकार करती है। दोनों सरकारों में सामंजस्य रहे, दोनों सरकारें सहमत हो तब एयरपोर्ट बनना चाहिए। मैंने राज्य के मुख्यमंत्री से बात की, राज्य के मुख्यमंत्री जी ने मुझे सकारात्मक रूप से कहा कि बिरला जी आपके होते हुए एयरपोर्ट बन जाएगा। फिर मैंने माननीय प्रधानमंत्री से बात की कि राज्य सरकार जमीन देने को तैयार है, तो उन्होंने कहा कि मैं कोटा पहले भी आया था और उन्होंने कहा कि कोटा एयरपोर्ट बनना चाहिए, भारत सरकार की तरफ से इसका पूरा प्लान बन चुका है। और फिर मैंने केंद्रीय मंत्री से बात की कि मैंने इसके एयरपोर्ट के पूरे प्लान को आप बनाकर भेजो। ज्योतिराज सिंधिया जी ने पूरे प्लान को बनाकर भेजा, किस 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 तरीके से होंगे। अब एयरपोर्ट की जो जमीन थी वह जमीन थी फॉरेस्ट की, जिसमें 95% फॉरेस्ट था। अब 95 फॉरेस्ट की जमीन को क्लियरेंस कराना ये एक बड़ा काम था। उसके बाद जब उसके क्लियरेंस होने लगा तो अचानक पता चला कि इसको बफर जोन में ले लिया, सब कुछ क्लियरेंस के नजदीक पहुंचा तो बफर जोन में आ गया। अधिकारियों को उस समय जानकारी नहीं थी क्योंकि जो उन्होंने प्लान भेजा था उस समय बफर जोन नहीं था, और जब बफर जोन बनाया तो उन्होंने शंभूपुरा के एयरपोर्ट को भी बफर जोन में ले लिया। और आप जानते हो, सब समझदार हैं कि एक बार रिजर्व फॉरेस्ट के बफर जोन में आने से कितना निकल मुश्किल होता है। उस बफर जोन की कार्रवाई चल रही है, मुझे लगता है कि नवंबर के अंत में उसकी अंतिम औपचारिकता से
इसकी स्वीकृति मिल जाएगी। उसके बाद फिर नगर विकास न्यास ने अभी कुछ दिनों पहले सिद्धांत रूप से 45 करोड़ की सहमति दी है, और उसमें फिर जब एयरपोर्ट की सब उन्हें लगा दो फिर चला के उसमें हाई टेंशन लाइन त्यागी जी अगर बिना फॉरेस्ट की जमीन दे देते तो शायद इतना समय लगता ही नहीं। और इन्होंने भी सरकार ने भी छाट कर वो जमीन दी जहां पे 95% फॉरेस्ट है। उन्होंने कहा एक केंद्र में बैठे ये क्लियर कराते रहेंगे, पर आप निश्चित मानो राज्य सरकार का भी सकारात्मक सहयोग है, यहाँ के मंत्री जी के, यहाँ के मुख्यमंत्री जी का भी सकारात्मक सहयोग है, सबकी सकारात्मक सोच है। और मुझे अच्छा लगता है कि चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, विकास में कोई राजनीति नहीं होना चाहिए। और आप निश्चित मानो कि डे टू डे मेरा एक अधिकारी IAS अधिकारी इस एयरपोर्ट की मॉनिटरिंग करता है, और कोई दिन नहीं बसता जब एयरपोर्ट के मामले के अंदर चर्चा नहीं होती। और मैंने भी कई दौर की चर्चा केंद्र के मंत्री जी के साथ की, राज्य के मुख्यमंत्री से भी मैं व्यक्ति से जब भी मिलता था जब बात करता था। अब दोनों चीजों की राज्य सरकार ने भी सहमति दे दी है, मुझे लगता है कि सकारात्मक दिशा में हो रहा है। 2023 में मुझे लगता है कि हम एयरपोर्ट की शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि मंत्री जी ने तो मुझे प्लान 2022 का दिया था लेकिन कुछ अड़चने हुई जिसके कारण नहीं हो पाए। लेकिन आप निश्चित मानो एयरपोर्ट बनेगा और अपने कार्यकाल में एयरपोर्ट बनेगा, जितना समय एयरपोर्ट बनने में लगता है उतना लगेगा। शायद मेरी इच्छा तो और थी कि कुछ और जमीन मिल जाती तो मैं इसको इंटरनेशनल एयरपोर्ट की संभावनाओं को अभी तैयार कर देता, लेकिन आप निश्चित मानो भविष्य के अंदर हम इस एयरपोर्ट के साथ साथ आने वाले समय के अंदर एक IT पार्क की भी हमारी योजना है जिसको भविष्य में अमली जाना पहनाएंगे ताकि एयरपोर्ट के साथ साथ विकास की नई संभावना हो सके।